श्री राम के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री शंकर जी के बारे में क्या कहा था, अगर एक लाइन ही पढ़ लेंगे तो उनको फिर समझाने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग लेके आए समाजवादी पार्टी के विधायक, ट्रेनिंग हुई है सर, ट्रेनिंग हुई है बजट में कैसे जवाब देने के लिए, खूब ट्रेनिंग दे करके लावें और स्वयं आवें और वो जिस तरह से घेर सकते हैं घेरने का काम करें, लेकिन उनके पास दम नहीं है घेरने। राज्यसभा के लिए बीजेपी की लिस्ट पे सबसे नजर है, कब तक आएगी सर? आज आ जाएगी, उम्मीद यही है। सर, मुख्यमंत्री ने कल शिवपाल जी की तारीफ की और आज हमको समाजवादी रियल बताया, रियल शिवपाल जी से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई आप लोगों को आजकल? हमें किसी सफाई से मोहब्बत नहीं है, हमें शिवपाल जी या अखिलेश जी, वो चाचा भतीजे का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वह राष्ट्रवाद को गलत बताते हैं तो उसी की परिभाषा बताई है कि राष्ट्रवाद और समाजवाद यह दोनों क्या है, और समाजवाद का रास्ता जो श्री अखिलेश जी का है वो नहीं है, यही उन्होंने बताया। सर, एक आखिरी सवाल, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं सर, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, बजट में भी आपने कहा 10 लाख करोड़ का निवेश अगले, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में, और जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमारी पहले कार्यकाल की या दूसरे कार्यकाल की सरकार है, लगातार निवेशकों में एक ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है कि लोग अब जो चाइना से भारत आना चाहते हैं तो भारत में वह सबसे जो उपयुक्त स्थान मानते हैं उत्तर प्रदेश को मानते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, फिर उसके पश्चात महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है, तो यह तो लगातार उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार अभी दूसरी बार आ रहे हैं, और महामहिम राष्ट्रपति जी अपने जन्मभूमि पर भी जाएंगे, गोरखपुर भी जाएंगे, काशी भी जाएंगे, फिर लखनऊ में भी समवेत सदन को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी 2000 करोड़ की 75,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का डिजिटली भूमि पूजन करेंगे, 2000 परियोजनाओं नहीं, तो ये तो देश के लिए प्रदेश के लिए खुशी की बात है। राज्यसभा चुनाव में क्या चुनाव की स्थिति आएगी, कैसे राज्यसभा चुनाव को देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर किया जा रहा है? नहीं, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही अनुकूल रहेगा, और हम लोग यह मानते हैं कि राज्यसभा में जो हमारे नंबर हैं उसके हिसाब से हमारे सदस्य सफल होकर के जाएंगे। सर, ओम प्रकाश राजभर जी से ने बात करी है तो उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों को मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए कि रात दिन कैसे मेहनत करी जाती है और कैसे चुनाव जीता जाता है। देखिए, अब ओम प्रकाश जी ने क्या कहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन विपक्षी दल जो सीखना चाहेगा वह निश्चित तौर से माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी से सीखे परिश्रम करना भी और ईमानदारी से राज्य और राष्ट्र और राज्य की सेवा करना। धन्यवाद। और देखिए, एक तरफ आज राज्यसभा के नामों का ऐलान होगा जो सांसद के तौर पर उम्मीदवार बनेंगे, और एक तरफ देखिए विधानसभा की